नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रसाद यादव, आपका स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक यूवी सिस्टम। ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है और इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हमने ऐड किए हुए हैं, तो आपको मैं सारे के सारे डिटेल्स बताता हूँ एक एक कर। तो सबसे खास बात इस सिस्टम की ये है कि ये एक यूवी प्लस यूएफ सिस्टम है और ये जो है स्टेनलेस स्टील का यूवी बैरल है। और इसमें हमने लगाया हुआ है सेल्फ सक्शन के लिए एक बूस्टर पंप लीफो कंपनी का 100 GPD का। तो दोस्तों, कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि उनको दो इनलेट सोर्स चाहिए थे, या ये तो है ये पंप का जो है वो सोर्स, यानी कि वो डायरेक्टली किसी भी बकेट में से पानी खींचेगा और फिल्टर करेगा, और ये दूसरा सोर्स ये जो है ये टैप सोर्स, यानी कि ये टैप में लगेगा, जब नल में पानी आएगा तब वहाँ से फिल्ट्रेशन होगा। तो ये जो नीचे का है ये दोस्तों ये रिजेक्ट वॉल है, तो बेसिकली इससे आप फ्लशिंग कर सकते हैं। इसको जब हम लोग ऑन करेंगे और उसको खोल देंगे तो जो यूएफ मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से फ्लश हो जाएगी। जब भी हमको यूज़ करनी है, पानी कलेक्ट करना है, तो इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। और इस तरफ आते हैं दोस्तों, इसकी जो खास बात है मैं आपको बताना चाहता था वो ये है, इसका जो अडाप्टर है ये पूरी तरह से चार्जर टाइप अडाप्टर यूज़ किया गया है, और यहाँ पर हमने एक स्विच दिया हुआ है। वो स्विच का क्या खासियत है मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट में। सबसे पहले हम लोग चालू कर लेते हैं। तो अभी सिस्टम चालू हो चुका है, अभी ये टैप वाटर सिस्टम पे चल रहा है, यानी कि टैप में से पानी आ रहा है तो ये फिल्ट्रेशन कर रहा है। लेकिन जब टैप बंद हो जाता है तो हमें फिल्टर करना है, तो यहाँ पे सेल्फ सक्शन के लिए एक बटन दिया गया है। ये बटन स्विच ऑन करते ही पंप चालू हो जाता है और ये स्विच हो जाता है सेल्फ सक्शन मोड पे, यानी कि ये अभी खुद सक करके पानी को फिल्ट्रेशन कर रहा है। यहाँ पे ये प्रेशर रिडक्शन के लिए हमने वॉल्व दिया हुआ है, जो प्रेशर जो है यूएफ मेम्ब्रेन को ज़्यादा प्रेशर चलता नहीं है, इसीलिए ये वॉल से हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करते हैं और उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। जब भी टैंक फुल हो जाएगी तो पूरा सिस्टम जो है नॉर्मली, जैसे पूरा सिस्टम बंद हो जाता है वैसे ही पंप और सब सिस्टम जो है वो बंद हो जाते हैं। लेकिन जब अगर सिस्टम अगर कस्टमर को सिर्फ पंप बंद करना है तो ये बटन बंद करके वो पंप बंद कर सकते हैं। यूवी और एसवी जो है दोनों चालू रहते हैं। तो इसमें आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपको अगर आपका पंप बंद है तो भी आपका सिस्टम जो है जब टैंक फुल हो जाती है तो वो बंद हो जाता है, और टैंक चालू हो जाती तो सिस्टम चालू हो जाता है। तो ये खासियत है दोस्तों इसकी। और अभी हम लोग इसको टेस्टिंग करेंगे, सेल्फ सक्शन पे टेस्ट करेंगे। नॉर्मल पे तो टेस्ट कर ही चुके हैं हम लोग इसको, अभी हम लोग इसको सेल्फ सक्शन मोड पे टेस्ट करके देखेंगे कैसे परफॉर्म करता है और क्या फ्लो आता है। इसकी खास बात ये, इसका फ्लो भी बहुत बढ़िया है और 80 GPD की यूएफ मेम्ब्रेन है, BRC टेक्नोलॉजी की यूज़ की गई है, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ज़रूर मिलेगा। साथ में ही आपको अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन भी है स्टेनलेस स्टील के बैरल से, तो वो भी एक एडेड प्रोटेक्शन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है सेल्फ सक्शन मोड पे। तो दोस्तों हम लोग रेडी है टेस्टिंग करने के लिए। अभी यहाँ पे देखिए, ये बकेट में से हम लोग पानी जो है सक करने वाले, ये वो बकेट है, इसको थोड़ा पाइप छोटा करना पड़ेगा। इसको इसमें डाल दिया और इसमें जो है प्यूरिफाइड वाटर हम लोग कलेक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, चालू करते हैं मशीन को। तो जैसे आपने देखा दोस्तों, अभी चालू तो किया है लेकिन पानी इतना ही खींच रहा है, बिकॉज हमने स्विच ऑन नहीं किया है पंप का, है ना। तो पंप का स्विच ऑन कर देते हैं, तो ये चालू हो गया सक्शन। लेकिन हमको एक चीज़ देखना पड़ेगा, प्रेशर सेट करना पड़ेगा। प्रेशर सेट करके, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, तो प्रेशर सेट करके ही आगे छोड़ना पड़ेगा हमको। तो प्रेशर गेज लगा दिया है ना, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए वापस स्टार्ट कर दिया, तो भी देखते हैं। तो ये एक दिक्कत है, ये हमने दोनों बात कर दिए। सेल्फ सक्शन के लिए समय लगेगा।
अब शुरू हुआ सेल्फ सेक्शन। इसको खोल दे, कुछ नहीं, प्रेशर प्रेशर ऐसा भी हो रहा है। तो ये इसमें पानी आएगा थोड़ी देर में, पानी तो नहीं आया अभी। तो वही हमें देखना था कि प्रेशर जो है वो कभी ज़्यादा ना हो जाए। तो प्रेशर इट्स ओके, 20 PSI तक प्रेशर जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा। सो इट्स ओके। यहाँ पे थोड़ा लीकेज है तो इसको रिप्लेस कर लेंगे। तो परफेक्ट प्रेशर हमें मिल रहा है 20 PSI का, जितना हमें चाहिए उतना ही है। तो यहाँ पे पानी आ चुका है, देख सकते हैं आप, फिल्ट्रेशन होके पानी अभी यहाँ पे आ गया है। तो ये सिस्टम छोटे मोटे लीकेजेस हैं तो क्लियर हो जाएंगे, बट ये सिस्टम अपना खुद ही पानी खींच रहा है, खुद ही पानी ले रहा है और खुद ही फिल्टर करके डाल रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें यहाँ पे प्रेशर भी बिल्कुल बराबर मिल रहा है, मतलब 20 PSI के ऊपर प्रेशर नहीं जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो जिनको दोस्तों मतलब ऐसा कोई सिस्टम चाहिए होगा, जिनके पास में वाटर टैंक सोर्स नहीं है ऊपर, जस्ट ग्राउंड वाटर या फिर बकेट से पानी लेके फिल्टर करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चाहे तो हम लोग यहाँ से प्रेशर कम भी कर सकते हैं, रिड्यूस करना है तो खोलेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, जैसे टाइट करेंगे तो प्रेशर अप हो जाएगा। 0 PSI पे तो बढ़िया है। और जब हमको टैप पे स्विच करना है तो बस हमको बंद कर देना है इसको, तो ये अपने आप टैप पे स्विच हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो है इनिशियल थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है पानी खींचने में, यहाँ पे लीकेज है थोड़ा सा तो उसको हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन एज सच तो है ये बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बेस्ट है, कोई टेंशन नहीं है, प्रॉपर फ्लो भी मिल रहा है। और जब हमें फ्लशिंग करना होगा तो बस हमें ये जो वॉल है इसको खोलना है, इसको खोलेंगे तो फ्लशिंग चालू हो जाएगा। देखिए ये फ्लशिंग चालू हो गई, मेम्ब्रेन फ्लश हो जाएगी। इसको कभी खोलना है, इसको हफ्ते में एक बार अगर आप खोल देंगे तो आपकी मेम्ब्रेन पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। जब आपका हो जाए तो उसको आप बंद कर दीजिएगा, तो दोबारा से वो प्रेशराइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रेशराइज होके वो वापस दोबारा से अपना काम चालू कर देगा, फिल्ट्रेशन का काम चालू हो जाएगा। तो इतना बढ़िया टेक्निक है, इतना बढ़िया इसका फ्लो है, मेरे ख्याल से फ्लो भी काफ़ी ज़ोरों से है। आप देख सकते हैं फ्लो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये आराम से 100 लीटर का फ्लो होगा, 100 लीटर पर आवर का फ्लो मिल रहा है। बंद करेंगे तुरंत बंद हो जाएगा।
ये थोड़ा सा पानी आएगा क्योंकि जो पानी अंदर स्टोर्ड है प्रेशराइज होके वो बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों हमने पूरा सिस्टम चेक कर लिया, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट्स होगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हम लोग लाते रहते हैं, नए नए इनोवेशन हम लोग करते रहते हैं, और आपके लिए और भी बहुत सारे टेक्निक्स हम लोग लाने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमारे पास में बहुत ही बढ़िया बढ़िया सिस्टम्स आने वाली है। तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।